हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस मैथ। मेरा नाम अंकित है। आज मैं ऑप्शन सिम्युलेटर प्लेटफॉर्म के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपसे। हम लोग ऑप्शन सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाएँ, मार्केट की मूवमेंट को उसमें चेक कर पाएँ, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ब्रेक इवन कितना होगा वगैरह वगैरह कर पाएँ, और तो और हम लोग बैक टेस्ट कर पाएँ। बहुत सारे ऑप्शन सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही ऑप्शन सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑप्शंस क्रैक। इसके बारे में मैंने एक दो वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर भी डाले हुए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो एज वेल एज उसे बैक टेस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में खास क्या बताने वाला हूँ, ऑप्शंस क्रैक कंपनी जो है उन्होंने दो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म पर डाले हुए हैं और मेरे हिसाब से ये फीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। मैं इसकी थोड़ी सी झलक दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई एक स्ट्रेटजी बिल्ड किया ऑप्शन सिम्युलेटर पर और वो स्ट्रेटजी आपने बैक टेस्ट किया, तो बैक टेस्ट करते करते आपने उसको एडजस्ट करके मान लीजिए उसमें से प्रॉफिट बुक किया या फिर लॉस बुक किया, ये पूरा एक स्ट्रेटजी रन कर लिया आपने। अब मान लीजिए यही स्ट्रेटजी आप किसी और फ्रेंड को शेयर करना चाहते हो कि भाई देख मैंने यहाँ पर इस तरह से ये एक स्ट्रेटजी बैक टेस्ट किया था और इस तरह से मैंने ये तारीख को ये किया, ये तारीख को इतने बजे ये स्टेप लिया था, वो स्टेप लिया था वगैरह वगैरह करके मैंने किया और फाइनली मैंने बैक टेस्टिंग में इसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दिखाया। आप वही सेम चीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे, अपना आपका जो दोस्त होगा वो उसके लॉगिन अकाउंट पर वही स्ट्रेटजी को लोड करके चेक कर पाएगा कि कितने बजे इसने ये स्टेप्स लिए हुए हैं। ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। मैं आपको इसका पूरा डेमो दिखाऊंगा, इसमें आप देख लीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरा, इसमें ना ही कोई कमर्शियल गेन है। इट्स जस्ट कि मुझे ये फीचर अच्छा लगा है और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग ऑप्शन सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑप्स्ट्रा है, सेंसिबल है, स्टॉकमॉक है, बहुत सारे ऑप्शन सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं, तो एक ये वाला भी ऑप्शन आपके लिए बनता है जिसमें आप इस तरह की स्ट्रेटजीज चेक कर सकते हो एज वेल एज किसी के साथ अपनी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी शेयर करके उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने ये तारीख को इतने बजे ये स्टेप्स लिए थे। मैं आपको पूरा रन डाउन करके दिखाऊंगा इसमें, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। मैं आपके साथ मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करता हूँ, शुरू से शुरू करेंगे। और ध्यान रखिए ये एडजस्टमेंट का ट्यूटोरियल नहीं है, कोई एक ट्रेड एडजस्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें ये फीचर्स किस तरह से उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका रोल क्या है और वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर सीधा जाएंगे हम लोग, टाइप करेंगे optionscrack.in, ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाते ही ये मुझे पूछेगा लॉगिन करने के लिए, मैंने मेरा अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सिम्युलेटर पर क्लिक करूँगा। इट विल आस्क मी टू लॉग इन विथ माई जीमेल अकाउंट और वॉट एवर अकाउंट आई हैव यूज्ड। मेरा ये ईमेल आईडी है जिससे मैंने यूज़ किया है, अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपका डिटेल सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये उनका सिम्युलेटर का होम पेज है। मैंने ये होम पेज में कहाँ कहाँ क्या चीज़ है इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरी चैनल पर है, आप देख सकते हो। आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेटजी, बाई वीकली स्ट्रेटजी, जैसे कि मैं एक आयरन फ्लाई ट्रेडर हूँ तो मैं आयरन फ्लाई ट्रेड लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस तरह से आप उसमें देख पाओगे। तो एक स्ट्रेटजी भी लोड करेंगे और वही स्ट्रेटजी को हम लोग लॉग आउट करके, लॉग इन करके फिर से रीलोड करके देखेंगे कि क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन से फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए मेरा माउस का कर्सर जहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर के दो एरोज है, ऐसे रिस्टार्ट एंड रीसेट एंड स्टार्ट न्यू। अगर आप इस, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी आपने ऑलरेडी डिप्लॉय करके स्टडी की हुई है, आपको नई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, तो यू क्लिक हियर, इट विल ऑटोमेटिकली रीसेट एंड आपको नई स्ट्रेटजी लोड करने के लिए नया फ्रेश पेज लोड करके देगा। दैट इज़ वन थिंग। दिस बटन, ये जो आपको दिख रहा है रिव्यू चेंजेस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट की हुई है उसके सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को, ये सिलेक्ट वर्ड जो लिखा हुआ है ना वहाँ पर, फिर स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इस तरह से आपने जितने भी स्टेप्स किए होंगे बैक टेस्टिंग में वो सारे इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों ने कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं किया है तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक ब्लैक बटन दिख रहा है आपको, डाउनलोड लॉग। ये लॉग वही है जो आपने मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए उसकी दो फाइल डाउनलोड करके देगा। एक एक्सेल फाइल होगा जिसमें आप देख पाओगे कि इतने बजे ये बंदे ने ये वाले पुट में से या ये वाले कॉल में से एग्जिट लिया था, यहाँ पर उसने एंट्री ली है, ये वो कितने रुपए में एंट्री लिया है, सब कुछ इसमें दिखा देगा आपको। एंड दिस इज़ दी अपलोड स्ट्रेटजी। एक बार आपने लॉग को डाउनलोड कर दिया, अपनी स्ट्रेटजी को डाउनलोड कर दिया, उसके बाद एक फाइल बनेगा
वो फाइल मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड है या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई मैंने इस तरह से कुछ बनाया है, तो उनके साथ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, उनके साथ आपने शेयर कर लिया, वो वही स्ट्रेटजी को यहाँ पर अपलोड करेंगे उनके लॉगिन अकाउंट में, तो आपने जो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट की है वही सेम चीज़ वो लोग अपने कंप्यूटर में अपने अकाउंट में देख पाएंगे विद ऑल स्टेप्स एंड ऑल डिटेल्स, ताकि उनको पता चले कि हाँ इतने बजे इसने ये किया था, इतने आप मतलब रिमोटली आप इसको ईजिली रिव्यू कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप 5-6 दोस्त का ग्रुप हो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और इस तरह से स्टडी करके स्लोली स्लोली आप ऑप्शन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं पता है कि और कोई ऑप्शन सिम्युलेटर ने इस तरह का फीचर इंट्रोड्यूस किया हो। बहुत ही छोटी कंपनी है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत ही काम आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली। मैंने एक्चुअली यहाँ पर मैं मेरी डायरी दिखा देता हूँ आपको, ये मेरी डायरी में मैंने ऑलरेडी स्टेप्स क्या क्या लेने हैं एक ट्रेड लेके वो लिख के रखा है, तो मैं इसमें देख के एक स्ट्रेटजी फटाफट से डिप्लॉय करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ नॉट दी एडजस्टमेंट ट्यूटोरियल, ट्रेड को एडजस्ट कैसे करना है वो सिखाने वाला नहीं हूँ मैं, सिर्फ वो एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करूँगा और उसको एडजस्ट करके एक्सपायरी तक खींच के ले जाऊँगा और फिर उसको हम लोग ये फीचर्स के थ्रू रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो व्हाट हैव आई डन, 22 दिसंबर 2023 को मैंने एक INFI डिप्लॉय किया, कितने बजे, करीब 3:15 पर एक INFI डिप्लॉय किया हुआ है, तो वो मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ। निफ्टी में 22 दिसंबर को मैंने एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया 15:15 को, मतलब 3:15। उस टाइम पे निफ्टी फ्यूचर्स वर समवेयर अराउंड 21,416। यहाँ पर फ्यूचर्स की वैल्यू ही आपको मिलेगी, स्पॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ माइनर ड्रॉबैक, बट ठीक है, लेटर ऑन वो लोग शायद इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट हम लोग फ्यूचर के हिसाब से हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 21,416 पर है मार्केट, तो और वैसे भी देखा जाए जो 22nd इज लाइक लास्ट वीक हो जाता है महीने का, तो फ्यूचर और स्पॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 25-50 पॉइंट का डिफरेंस ही रहेगा। हाँ, महीना अगर स्टार्ट हो रहा है तो फ्यूचर मान लीजिए फ्यूचर 21,500 पर है, तो उस टाइप पे स्पॉट शायद 21,300 पर हो सकता है, बट एंडिंग में है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। वेरी क्विकली ये आपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लिया, दिस इज़ फॉर यू टू सिलेक्ट द ट्रेड डेट एंड ट्रेड टाइम कि भाई ये तारीख को इतने बजे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ऑप्शन चेन पर जाएंगे वेरी क्विकली, यहाँ पर जाने के बाद आपको आपकी एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं 4th January वाली एक्सपायरी सेलेक्ट करूँगा। 4th January मतलब बाई वीकली ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर अलग अलग स्टेप्स अगर मैंने लिए हैं एडजस्ट करने के लिए तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और उसको रिव्यू भी कर पाए हम फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैं 21,400 का कॉल एंड पुट सेल करूँगा सबसे पहले, तो मैंने कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया। याद रखिएगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहला स्टेप क्या लिया, कॉल सेल किया, दूसरा स्टेप क्या लिया, पुट सेल किया, उसके बाद मैंने क्या किया, 500 पॉइंट की दूरी पर उसे हैज कर दिया। तो 21,400 में अगर 500 ऐड करता हूँ तो 21,900 होगा, उसका एक कॉल बाय कर लूँगा एंड 21,400 में से 500 पॉइंट माइनस करूँगा तो 20,900 होगा, उसका एक पुट बाय कर ली। और अब मैं यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करता हूँ ताकि ऑप्शन चेन हम लोगों ने हटा दिया, ये एक INFI बन गया। ठीक है, INFI कैसे दिखता है, जूम आउट, जूम एक्सट्रीम जूम आउट, ये सारे फीचर्स मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं और यहाँ पर आपकी स्ट्राइक प्राइसेस है और उसके आपकी एंट्री प्राइसेस सब कुछ इसमें दिखा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सिम्युलेट करेंगे, एक एक दिन आगे बढ़ाते जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा हुआ है, 27 दिसंबर को करीब करीब 3:05 पर, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक एडजस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट डे कहाँ पर मार्केट गया है, वहीं के वहीं रहा है, ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। फिर आएगा 27 दिसंबर, 27 दिसंबर को मैंने इसे एडजस्ट किया, कितने बजे, 3:05 पर, तो पहले यहाँ पे 9:15 दिख रहा है, तो मैं 3:05 तो कर लूँ कम से कम। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत डाउन है तो आवाज़ में शायद इधर उधर हो सकता है, पर लर्निंग है, लर्निंग करना है, सीखना है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। 3:05 पर मैं वेरी क्विकली इसे शिफ्ट करता हूँ, ये 3:15 हो गया, मैं 5 पीछे ले जाता हूँ, 10 यस, 3:05 यहाँ पर आप टाइम देखिए, 3:05 यस, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एडजस्ट करना ही पड़ेगा ट्रेड को, क्योंकि मार्केट ने मुझे चैलेंज कर दिया मेरे ब्रेक इवन को। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉल का हेज जो है उसे शिफ्ट किया है 21,900 से 21,600 पर एंड पुट सेल किया है एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट 21,300 का पुट। दोनों कर लेते हैं फटाफट से, ऑप्शन चेन पर जाएंगे सबसे पहले, यस सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन पर जाएंगे, 21,600 यहाँ पर लिखेंगे, 21,600 उसका मैंने कॉल बाय कर लिया। ठीक है,
एंड और क्या किया है, मैंने एक पुट सेल भी किया हुआ है 21,300, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। 21,300 का पुट एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसका डेल्टा 0.18 मतलब 20 के अराउंड है, मैंने उसे भी सेल कर लिया, थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन लिया है, प्रीमियम कलेक्ट किया है। एंड 21,900 में से मैं 103 रुपये में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर 103 रुपये में मैं निकल गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ दी आयन फ्लाई, अब इस तरह की आयन फ्लाई हो गई मेरी कॉल साइड पे, मैंने इसको प्रोटेक्ट करके 102 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया, एकदम कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा 3 जनवरी को, तो मैं अभी इसे आगे ले जाता हूँ। 29 तारीख, मार्केट वहीं के वहीं है, कोई मतलब नहीं है एडजस्टमेंट करने का, मार्केट हमारे जोन से बाहर है, बट हमको ज़्यादा लॉस नहीं देने वाला है, 50 रुपया प्रॉफिट भी दिख रहा है बाय द वे। दिस इज़ 1st जनवरी, देन देयर इज़ 2nd जनवरी एंड 3rd जनवरी। 3rd जनवरी को मार्केट थोड़ा नीचे आया, 3rd जनवरी को मार्केट नीचे आया, तो मैंने क्या किया, कॉल का जो हैज किया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है 21,600 उसमें से शिफ्ट होकर मैं एक्सट्रीम नियर पे आ गया आयन फ्लाई के डिप के नज़दीक में, कितने कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे 21,450 है, क्योंकि 400 का तो मैंने कॉल सेल किया हुआ है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसमें से निकल जाऊंगा, 21,600 में से एग्जिट ले लेता हूँ 88 रुपीज़ में लॉस बुक करके, एंड 21,450 का कॉल परचेस कर लेता हूँ, 21,450 का कॉल परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने परचेस कर लिया, अब देखो मैंने इसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना दिया, अब ये इससे ज़्यादा जूम इन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर मैंने इसे परचेस कर लिया एंड नाउ माय प्रॉफिट वैल्यू बिकम्स 2,262 रुपीज़ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, मतलब मैंने इसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना दिया, अब मार्केट चाहे कहीं पर भी ऊपर की तरफ चला जाए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज़ मैंने कर लिया, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट दिन मतलब ये 3rd जनवरी 9:15 की बात है, आई कुड हैव डन दैट 3:15 या 3:20, बट मैंने पहले से ही कर लिया। अब 4th जनवरी को देखते हैं, 4th जनवरी को मार्केट कहाँ पर है, मार्केट थोड़ा नीचे आया। नाउ आई एम होपिंग कि मार्केट मेरी आयन फ्लाई की टिप की तरफ आए, बट नहीं आया है, कोई बात नहीं, एक एक घंटे हम लोग इसको दौड़ा के देखते हैं। 10:15 बजे नहीं, 11:15 बजे मार्केट कहाँ पर है, 12:12 बजे कहाँ पर है, 1:15 बजे, अब यहाँ पर मैं 1:15 और 12:15 ये सभी इसको देख के बोल रहा हूँ, अनदर 1 आवर 2:15 एंड ये 3:15। अब ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि ये मुझे अब मार्केट अभी आने वाले 15 मिनट में वापस तो 21,400 पर जाने वाला है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पर इसे बुक कर लेता हूँ, बुकआउट करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। बुकआउट करने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे, येप सारे के सारे एग्जिट कर लेंगे फटाफट से, येप इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जिट ले लिया है, इसको हम लोग बुकआउट करेंगे, जितने भी जीरोस हैं वो सारे कोई लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर आ जाएंगे और उसमें से हम लोग ये बुकआउट कर लेते हैं। सो कितना प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया, 2,242 रुपीज़, मतलब 2,242 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया, ये पूरा ग्रीन जोन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एज वेल एज यहाँ पर भी आपको 2,200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये मैंने वेरी क्विकली एक एडजस्टमेंट करके ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लिया, मैं अब डायरी को साइड में रख लेता हूँ। अब ये चीज़ हो गई, यहाँ तक तो हो गया, अभी आपको रिव्यू करना है कि अच्छा मैंने ये क्या क्या किया था, कब कब किया था। तो अर्लियर हम लोग दूसरे सिम्युलेटर में क्या करते थे, ये सब करते वक्त हम लोग डायरी में लिखते थे कि इतने बजे ये वाला इंस्ट्रूमेंट लिया, इतने बजे ये वाला इंस्ट्रूमेंट को सेल किया वगैरह वगैरह, इसका डेल्टा इतना था वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपली ये एग्जिट कर लिया मैंने 2,200 रुपया, अब मैं क्या करूँगा इसको रिव्यू करूँगा कि भाई बगल में अपना दोस्त बैठा या फिर कोई सीनियर बैठा या फिर किसी को आप दिखाना चाहते हो कि देख भाई मैंने बैक टेस्ट किया है, तो उसको रिव्यू करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे, वेरी इजी, रिव्यू चेंजेस जो है ना उसको आप इनेबल कर लो। अब देखो यहाँ पे देर आर टोटल 14 स्टेप्स विच आई हैव टेकन, व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली क्लिक हियर। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या किया था, कॉल को सेल किया था, अगर आपको याद हो दिस इज कॉल सेल। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेप नंबर 1, निफ्टी में 22 तारीख को 3:15 बजे 15:15 टाइम भी दिखा रहा है आपको, आपने क्या किया, एडेड पोजिशन, आपने एक पोजिशन ऐड किया, क्या CE कॉल ऐड किया, क्या किया, बाय किया या सेल किया, तो भाई सेल किया, कौन सा स्ट्राइक सेल किया था आपने 21,400, एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट की हुई थी 4th जनवरी को, कितना लॉट सिलेक्ट किया था 1 लॉट, ये हो गया। अब स्टेप टू के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे स्टेप टू में हमने क्या किया था, आयन फ्लाई हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले कॉल करेंगे बाद में पुट करेंगे, तो पुट को सेल किया तो इसका भी डिटेल मेरे को दिखा दिया। स्टेप नंबर 2, निफ्टी में 22 तारीख को 3:15 बजे एक पोजिशन ऐड किया, जो पुट इंस्ट्रूमेंट था उसको सेल किया था,
21,400 4th जनवरी का एक्सपायरी, उसका एक लॉट मैंने सेल किया। उसके बाद मैंने उसको हैज किया दोनों पोजीशंस को। तो मैं अब सारी चीज़ें पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा। स्टेप थ्री क्या किया, पोजीशन ऐड किया सी कॉल, बाय किया। अब यहाँ पर मैंने बाय किया क्योंकि हैज किया है, तो हैज करने के लिए हम लोग बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पुट, ये पुट है उसको भी मैंने बाय किया। तो अब मेरा एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय हो गया। कब तक था ये, 22 तारीख को था, तो मतलब 22 तारीख को मैंने आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया है, तो यहाँ तक 22। अब याद है आपको मैंने क्या किया था, 27 तारीख को एडजस्टमेंट किया था जब मैं ये स्ट्रेटजी बना रहा था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा। फिफ्थ स्टेप, स्टेप नंबर 5, 27 दिसंबर 3:05 को मैंने एक पोजीशन ऐड किया, सीई बाय किया, कॉल बाय किया। कौन सा वाला, 21,600। मेरा हेज कौन सा था, 21,900। अब मैंने 21,600 को बाय किया है एक लॉट एक्सपायरी वाला, एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसका जो एक दूसरा पुट इंस्ट्रूमेंट है उसको भी सेल किया है, पी सेल 21,300, जिसका डेल्टा 0.818 था, वो आप यहाँ पर ग्रीक पर से चेक कर सकते हो। फिर क्या किया, उसके बाद का जो 7 नंबर का स्टेप था जिसमें मैंने मेरा 21,900 का कॉल था उसमें से एग्जिट ले लिया, तो वो कैसे दिखाएगा मेरे को, सी बाय किया 21,900 में से, चेंज एग्जिट चेंज फ्रॉम 0 to 103। तो मैंने ये, इसको आप ये बाय पर फोकस मत कीजिए, ये कॉल जो है उसमें से मैंने एग्जिट कर लिया है। ये यहाँ पर ये देखा चेंज क्या है, तो एग्जिट चेंज्ड फ्रॉम 0 to 103, मतलब 0 रुपीज से 103 पर आप उसमें एग्जिट हो चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे स्टेप्स चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने स्टेप नंबर 8 किया, उसके बाद स्टेप नंबर 9, फिर स्टेप नंबर 10 किया, स्टेप नंबर 11 किया, 12, 13, ये सारे बुकआउट कर रहा हूँ मैं, एंड 14 नंबर पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। दिस इज़ हाउ यू रिव्यू योर स्ट्रेटजी। यू आस्क अदर पर्सन हु सिट्स बिसाइड यू और आपके आसपास अगल बगल में है, उसको आप इस तरह से अपने कंप्यूटर पे स्टेप वाइज दिखा सकते हो। अब ये तो यहाँ की बात हुई। अब मान लीजिए मैं गुजरात में बैठा हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है जो केरला में बैठा है या फिर बेंगलुरु में बैठा हुआ है, उसके साथ मुझे शेयर करना है। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली डाउनलोड द लॉग, मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैं ये डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दो फाइल्स डाउनलोड होगी, दो फाइल्स, एक एक्सेल फाइल होगा और दूसरा उसका कोई एक्सटेंशन है .json करके, JSON यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों फाइल है, मैं दोनों फाइल को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन किया, मेरा डाउनलोड फोल्डर है। डाउनलोड फोल्डर में आप देखेंगे सिम्युलेटर लॉग एज वेल एज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी है, सिम्युलेटर लॉग है। पहले सबसे पहले हम लोग सिम्युलेटर लॉग देखते हैं। एक्सेल फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरा एक्सेल ओपन होगा, एंड एक्सेल के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेगी कि आपने कितने बजे क्या क्या एक्टिविटी की है। जो हमने स्टेप्स देखे थे वही चीज़ है। ये एक्सेल ओपन हो गया, इनेबल एडिटिंग, यहाँ पर मैं इनेबल एडिटिंग कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं एक बार ठीक से सेंटर में कर देता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ पाएँ इसको। ऑन एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन फॉर माई स्ट्रेटजी, जो बैक टेस्ट किया हुआ है। क्या किया है मैंने, देखो 22 तारीख को कितने बजे क्या क्या एक्टिविटीज़ की हुई है। जो स्टेप्स हमको जो रिव्यू सेटिंग्स में दिख रहे थे वो सारे के सारे इसमें भी आपको दिखेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब मैं मान लीजिए इसमें से लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट, ठीक है, मैंने ये लॉग आउट कर लिया। अब लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करता हूँ फिर से। अच्छा, वही स्ट्रेटजी अभी भी लोड हो रही है लॉग आउट करने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रीसेट एंड स्टार्ट न्यू पर क्लिक करता हूँ ताकि अब ये हो गया, अब ये एकदम फ्रेश पेज बन गया है। अब मेरे को मेरा बेंगलुरु वाला फ्रेंड है या फिर केरला वाला फ्रेंड है उसके साथ मेरा स्ट्रेटजी शेयर करना है। व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली वही स्ट्रेटजी उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप कर दिया उसको, उसने व्हाट्सएप से या फिर जीमेल से ईमेल से डाउनलोड कर लिया। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप उसे अपलोड करेंगे, तो मेरे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड फोल्डर में है, मैं उसे यहाँ पर अपलोड करता हूँ। व्हाट विल आई डू, मैं सिंपली अपलोड स्ट्रेटजी पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा, एंड इट विल आस्क मी टू लोकेट दैट फाइल, कहाँ से आपको उठाना है इसे। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, एंड दिस इज द स्ट्रेटजी विच आई हैव बैक टेस्टेड रिसेंटली। मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, ये स्ट्रेटजी मेरा लोड हो गया यहाँ पे। व्हाट विल यू डू, लोड होने के बाद यू सिंपली क्लिक हियर रिव्यूअर चेंजेस, सी द स्टेप वन पर चले जाओ और अपने दोस्त को बोलो कि देख भाई मैंने 22 दिसंबर को 3:15 एक कॉल सेल किया था, उसके बाद एक पुट सेल किया, उसके बाद मैंने उनको हेज कर दिया, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट स्टार्ट किया, ये किया वो किया। अपना दोस्त, आपका जो फ्रेंड है, वो उसके अकाउंट में आपकी स्ट्रेटजी को लोड करके 1 by 1 सारी चीज़ें चेक कर पाए। ये फीचर सच में इंपॉर्टेंट फीचर है। इन लोगों का मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कोर फोकस आपको सिखाना है,
आप जो सीख रहे हो वही चीज़ आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, ये उनका फोकस है, मतलब ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको ट्राई कीजिए। मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज़ 28th January, सो अभी भी फ्री है 2-3 दिन के लिए, बट यू मस्ट ट्राई। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड अपनी स्ट्रेटजी जो बैक टेस्ट कर रहे हो वो किसी और के साथ शेयर करने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, मैं यहीं पर ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक दूसरा अनाउंसमेंट भी है कि मैं फरवरी महीने में एक आयरन फ्लाई ट्रेड लेने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ सीखना है कि किस तरह से आयरन फ्लाई को आप हैंडल करेंगे टिल दी एक्सपायरी, क्या उसमें से आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे या नहीं, अगर उसमें अगर लॉस बुक करने की नौबत आती है तो कितना लॉस बुक करेंगे, आप वर्चुअल ट्रेड से ही सीखेंगे मेरे साथ, बट उसमें एक गूगल मीट सेशन भी रहेगा जिसमें मैं आपको आयरन फ्लाई की थ्योरी भी समझाऊंगा, और पूरे महीने में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैं आपको वर्चुअल ट्रेड जो आपने लिया है उसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। आपको रियल ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रियल ट्रेड लेंगे तो पैसे भी उसमें लगेंगे, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी और नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस गेम, तो इट्स नॉट, कभी श्योर नहीं होता है कि ये ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही बन जाओगे, ज़रूरी नहीं है, लॉस भी बुक करना होता है। मेरे भी लॉसेस बुक किए, मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं लॉस वाले, तो बट हाँ थियरी क्या कहती है, एडजस्टमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप बिना झिझक उसे भर दीजिए, मैं आपको फटाफट से कॉन्टैक्ट करूँगा एंड अगर आपको ठीक लगता है, उसकी फ़ीस भी है, छोटी सी फीस है बट मेरे हिसाब से वर्थ है, आप वो पे करके आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो, छोटी सी फीस है। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरे YouTube चैनल पे आयरन फ्लाई ट्रेड जो रियल है वर्चुअल है उस सारे ट्रेड्स में रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ वीडियो बना के मर्ज कर करके, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि मेरा आयरन फ्लाई ट्रेड पर कैसा होल्ड है, क्या है क्या नहीं है। कभी कभी अच्छा भी हुआ है, कभी कभी बुरा भी मेरे साथ भी हुआ है, आज की तारीख में भी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ वन ईयर अगर मैं देखूँ तो हिसाब मेरा ग्रीन में रहता है। ठीक है, एनीवे आज के लिए इतना ही, आई विश यू गुड लक।